नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर दशकों से अवैध कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान को पीओके के नागरिक इन दिनों खुलकर इमरान खान और भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग भाजपा की कायर फौज और कंगाल मुल्क की हुकूमत के जुल्मों सितम से परेशान है। आए दिन पाकिस्तानी फौज एक से बढ़कर एक पीओके के नागरिकों के साथ अत्याचार करती रहती है। ऐसे में अब पाक अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उसकी दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं और पीओके में कायर बरपाने वाली पाकिस्तान की हुकूमत से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति पीओके की जनता का गुस्सा कितना ज्यादा है, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल तनवीर अहमद नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने शुक्रवार को पीओके में एक सार्वजनिक जगह से पाकिस्तान का झंडा हटा दिया। इसके बाद पाकिस्तान एजेंसियों ने उन्हें अगवा कर प्रताड़ित किया। इससे पहले अहमद ने जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही थी। दरअसल तनवीर अहमद पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि पीओके स्थित दादयाल से पाकिस्तान का झंडा हटा दिया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं होने पर उन्होंने खुद ही झंडा हटा दिया। हथियार तो उन्होंने लिया है, लेकिन अब उतरने का बड़ा मसला है। या अल्लाह वो गिर। मकबूल शहीद स्क्वायर से झंडा हटाते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं, जिसमें वो दीवार पर चढ़कर चौराहे के नजदीक मौजूद दूसरा पाकिस्तानी झंडा भी हटाते हुए नजर आ रहे हैं। झंडा हटाए जाने के बाद अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान एजेंसी के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद पाकिस्तान एजेंसी के लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की और उन्हें प्रताड़ित भी किया। पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार का एक लंबे अरसे से विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग इलाके में चीनी दखल से भी नाराज हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थानीय लोगों के बीच चीन के खिलाफ बढ़ते रोष को लेकर खबरें सामने आई थी। कुछ ही समय पहले नीलम झेलम नदी पर बांध निर्माण के विरोध में पीओके के मुजफ्फराबाद शहर में लोगों ने विशाल मशाल रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया था। दरअसल पीओके में पाकिस्तानी सेना मनमानी करती है, यहाँ के नागरिकों के लिए तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं। इन वजह से काफी अरसे से पीओके में पाकिस्तान से आजादी की मांग उठ रही है। उधर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को पीओके छीनने का डर सता रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।